और शामली डिपो की भूमि का पूजन करने आए यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि योगी व मोदी की सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए निकली है। परिवहन मंत्री ने 8.89 करोड़ के बस डिपो की भूमि का पूजन करते हुए कहा कि गरीब व गांव के अंतिम व्यक्ति का कल्याण ही उनका वो उनकी सरकार की मंशा है। परिवहन मंत्री ने दावा किया कि प्रयागराज कुंभ के लिए 500 शटल बसों के अलावा देश के सभी राज्य व प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों से बसों का संचालन किया जाएगा। कुंभ के लिए प्रदेश में 6000 अतिरिक्त बसें संचालित की जाएगी। उन्होंने मंच से ऐलान किया है कि आरटीओ दफ्तर में किसी ने भ्रष्टाचार किया तो वह बख्शा नहीं जाएगा। भगवान हनुमान जी को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि कोई क्या कहता है उसे वह नहीं जानते। उनका व सरकार का एक ही मकसद है कि गरीब व गांव का अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। किसान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान खुशहाल हो यही सरकार की मंशा है। इस अवसर पर जिला सांसद विनोद सोनकर, लाल बहादुर सिराथू, विधायक पप्पू शीतला प्रसाद पटेल, बीजेपी के कार्यकर्ता, वहीं काफी संख्या में क्षेत्रीय सम्मानित लोग उपस्थित रहे हैं। और शामली से विकास कुमार गौतम की रिपोर्ट। बहुत जल्दी साथी खड़े हैं बहुत सी योजनाओं का भी आप सबको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये जो मंच के दाएं बाएं लोग टहल रहे हैं कृपा करके बैठ जाएं। साथियों, इलाहाबाद से जब से ये कृष्णा भी अलग हुआ है यहाँ पर चलने के लिए सड़कें नहीं थी। यहाँ के अधिकारी सब भाग जाते थे प्रयागराज, यहाँ पर रात में रुकने लायक नहीं था, ऐसा पिछड़ा था यहाँ पे। धीरे धीरे जब से भाजपा सरकार आई है धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। सारी सड़कें लगभग हमारे जनपद की धीरे धीरे बनना शुरू हो गई है, रूप विकसित रूप आ गया है। हमारे किसी भी विकास कार्य के लिए परिवहन की बहुत जरूरत होती है, बहुत सारे विकास कार्य हुए यहाँ पे। हाँ भाई बताएं आपका क्या प्रॉब्लम है? अब लड़का हमारे लग या लड़का या मारपीट या टोला मोहल्ला में करा थे, 4 महीना 6 महीना से चला गया बाहर, आज तक ये पता नहीं यहाँ कहाँ गा कहाँ नहीं गा। क्या नाम है तुम्हारे लड़के का? सनी। आपका क्या नाम है? शिवनाथ। किस गांव का मामला है? गनपा। थाना कौन सा पड़ता है? सैनी। जनपद? कौशाम्बी। अच्छा, तो आप अपने लड़के से प्रसारित हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो उससे आप कोई संबंध नहीं रखना चाहते? नहीं। तो आपने कहीं सूचना दिया है? कहीं नहीं। लिखित प्रमाण कहीं देना चाहते हैं? हाँ। कहाँ देना चाहते हैं? थाना। थाने में देना चाहते हैं? धन्यवाद। आपका शुभ नाम? शिवनाथ। क्या है आज स्टेशन का डिपो का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर 27 बस स्टेशन हम लोग आने के बाद निर्माण किए हैं, शेष बस स्टेशन होना है और बाकी जो बस स्टेशन है ऐसे जो पीपीपीपी मॉडल पर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं बस स्टेशन का निर्माण कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा बस स्टेशन और सुंदर बस स्टेशन पूरे राज्य में बन रहा है। आलमबाग आलमबाग जैसा बस अन्य बस स्टेशन बनाया हुआ और सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ नहीं वहाँ बस स्टेशन का निर्माण, इसीलिए आज मैं यहाँ पर बालू लदे वाहन ओवरलोड निकलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी मैं कल से इलाहाबाद में हूँ और आज तक हूँ मैं रोड पर ही चल रहा हूँ। वहीं मैं बोल रहा था, हमारे साथ महाराज जी बैठे थे और लोग बैठे थे, हम कि यार ओवरलोडिंग बालू क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमें, कोई ट्रक गिट्टी का या मोरम का मैं सुबह भी 10-15 ट्रक दिखाई दिए, कल रात में भी 15-20 ट्रक दिखाई दिया, कोई ओवरलोडिंग नहीं दिखाई दिया। क्योंकि मैं जिस रोड पर चलता हूँ 70-80 गाड़ियाँ ही पकड़ी जाती हैं, लेकिन आज पहली बार हुआ है कि कल से मैं रोड पर टहल रहा हूँ
किसी गाड़ी को मैं नहीं पकड़वा पाया, नहीं तो उस दिन बिंदगी से मैं निकला तो हमें दिखाई दिया था। लेकिन आज इलाहाबाद में दो दिन से मैं घूम रहा हूँ, कल शाम से और आज से, सब अंडर लोडिंग गाड़ियाँ हमें दिखी।